भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। भारतीय चुनाव चिन्ह में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों को आरक्षित है? ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। चुनाव धनुष एवं तीर किसका निशान है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का JMM झामुमो, भारत की एक जिसे झामुमो भी कहते हैं। JM झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसका प्रभाव क्षेत्र नव सृजित झारखंड एवं उड़ीसा बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में है। इसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर है। धनुष और तीर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे CPI का अस्तित्व कब आया था? देखिए कुछ 1920 करता है तो कोई 1925 करता है, ठीक है। 1925 भारत में बना था, 1920 में ऐसे आया था। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में कह सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से 1921 मारिए। ओके, लेकिन भारत में कब बना था? 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में नगर में हुआ था। कानपुर नगर में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय ने किया था। इस दल की स्थापना कानपुर में MN राय ने किया था। CPI की स्थापना भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी। उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सबसे कारफर नमा शक्ति थे। भारत के विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडिया के नए नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा? भाजपा का है। ओके, गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा? भाजपा का, जबकि ये गांधी को ही गोली मारता है। बहुत से ऐड में आप देखे होंगे, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न से कहाँ अपील की जा सकती है? तो चुनाव चिन्ह के विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मात्र किया जा सकता है। राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध, चुनाव चिन्ह के निर्णय जो लिया है उसके विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय कर सकती है वो भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। विवाद होता है चुनाव चिन्ह को लेकर के या निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाता है। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों का मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह भी देता है, ठीक है। चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 में दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के माध्यम से शक्ति प्राप्त की हुई है। और 51 में भी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना होगा। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? CPI का जो चुनाव चिन्ह है अभी तक बदला नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि भाजपा का या कांग्रेस का बदलते रहा है और सभी पार्टी का भी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की एक साम्यवादी दल है। 1952 से ही बाली हसिया का चुनाव चिन्ह है इसका। कब से है? 1952 से ही बाली हसिया है। चुनाव आयोग द्वारा भी इसका नहीं बदला गया। इस चीन के पीछे होने का यही कारण है कि दल भूमि सुधार को बढ़ावा देता है, भूमि सुधार को बढ़ावा देता है। किसानों की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है, स्थिति में किसानों की स्थिति परिवर्तन कार्यकर्ता किसानों जो समाज के लिए अधिकतर उत्पाद कार्य करते हैं उन्हें उचित मान्यता दी जानी चाहिए। इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन में CPI की राजनीतिक विचारधारा एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यह हमेशा पार्टी सामाजिक आंदोलन से आगे रहती है। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग ने निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम 1994 अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने बदला। पशु पक्षी था चुनाव चिन्ह, इस कारण से 1994 में चुनाव चिन्ह बदला फॉरवर्ड ब्लॉक ने। इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था इस दल की स्थापना, जो अब इस चुनाव इस सरकार का TDS का है, तेलुगु देशम पार्टी का वे शेर हो गया।
तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर है दोस्तों, इसमें गलत ऑप्शन भरा हुआ है।